आइए, आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक पेशेंट के बारे में बताने वाला हूँ जो अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ मानसिक बीमारी नहीं है और वो बाकी जगह घूमते रहते हैं, दवाई लेते रहते हैं, मगर वो मानसिक बीमारी होती है, डिप्रेशन होता है और उनको दवाई की जरूरत होती है और वो दवाई से अच्छे हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति मेरे पास में आया और उसने मुझे बोला कि भाई, मैं काफी 4-5 कंसल्टेंट्स के पास में जाके आया हूँ, मेरे बदन में बहुत दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, कभी जलन होती है और ऐसा कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। उम्र 45-46 साल की होंगी और काम करने में इंटरेस्ट नहीं लगता कोई। मैं काम पे तो जाता हूँ, काम करता हूँ, मगर कोई खाने में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ काम करने में इंटरेस्ट नहीं और थकान थकान सी लगती। पूरी जांच उसने कर लिया, उसने शुगर देखा कि भाई डायबिटीज़ है क्या, मिक्सिडीमा है क्या, थायराइड की जांच कर लिया, मतलब TSH, T3, T4 कर लिया, फिर बाकी किडनी की जांच, सीरम क्रिएटिन, बाकी ब्लड यूरिया वो कर लिया, लीवर के सब फंक्शंस देख लिए। पूरी जांच करने के बाद में भी उसको ऐसा कुछ दिखा नहीं, मतलब डॉक्टरों को भी दिखा नहीं कि उसमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है करके। उन्होंने सलाह दिया कि भाई साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, मगर वो बोले कि नहीं नहीं मैं जाऊंगा नहीं, मैं क्या पागल हूँ क्या, मुझे कोई मानसिक बीमारी है नहीं। और इसलिए वो बड़े मुश्किल से, मतलब बड़े उसको पीछे लग लग के उसके वाइफ ने मेरे यहाँ भेजा कि चलो डॉक्टर बोल रहे थे एक बार चले जाओ साइकियाट्रिस्ट के पास में आप। और फिर वो आया, मैंने उसको तपास लिया, मैंने बोला देखिए ये सब आपके पूरी रिपोर्ट्स है, इसमें ऐसा तो लगता है कि सब पूरा नॉर्मल है और तभी भी आपको प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि आपको ये डिप्रेशन की बीमारी है। जैसा मैं बोला तो वो जैसा थोड़ा खबल गया, इरिटेट हो गया, बोले आप क्या समझते हैं मैं क्या पागल हो गया हूँ। मतलब आप पागल नहीं है, डिप्रेशन मतलब कोई पागल नहीं, मगर सभी जांच करने के बाद में भी कोई हाथ में नहीं आ रहा है और कोई बीमारी नहीं दिख रही है और आप जो बोल रहे हैं सिम्टम्स, आपके जो लक्षण हैं वो है कि थकान हो जाना, काम में दिलचस्पी नहीं लगना और ऐसा कुछ तो भी अनबन लगना, अंदर से ऐसा उसको लगता था कि ऐसा घबराहट सी है या ऐसा एट पीस नहीं, मतलब गमता नहीं है ना, गमता नहीं है मुझे, एट पीस नहीं हूँ, ऐसे अनबन से लगती है अंदर से। तो ऐसा आपको लग रहा है, काम तो कर रहे हैं आप, खाना भी खा रहे हैं, मगर आपको डिप्रेशन ऐसा मुझे लगता है और आपने दवाई लेनी चाहिए। बोले कि नहीं, मुझे तो बहुत फोर्सफुली भेजा हुआ है, मैं तो दवाई लूंगा नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अभी एक्सरसाइज करना चालू करूंगा, मेडिटेशन करूंगा और बाकी और आप जैसा कुछ बोलेंगे तो और मैं काउंसलिंग वगैरह चाहे तो वो करूंगा और मैं दवाई नहीं लूंगा, क्योंकि दवाई लूंगा तो फिर उसकी आदत लग जाएगी। मतलब ये आपको जरूरत दवाई की है, वो मानने को तैयार नहीं था। बोले ठीक है, बोले आप 10-12 दिन के बाद में मैंने उसको बोला कि आप आइए मेरे पास में, फिर देखते क्या करना, तो ठीक है बोले मैं कोशिश करता हूँ पूरी और मैं वैसे ही अच्छा हो जाऊंगा। 12 दिन के बाद में वो आया नहीं, मैंने उसको भी फोन किया, मतलब क्या हालत है, नहीं बोले वैसे की वैसी है क्योंकि मुझे तो ऐसा मेडिटेशन करने की इच्छा नहीं होती है, एक्सरसाइज करने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है कि वो करने के लिए ताकत ही नहीं मेरे। मतलब भाई आप आइए और मैं बोलता हूँ दवा ले लो आप, मानो आप। फिर वो बड़े मुश्किल से मेरे पास में आया, मैंने उसको एंटी डिप्रेशन दवाई दी और उसको बोला कि भाई 8-10 दिन के बाद में आप मेरे पास में आइए। वो आया फिर मेरे पास में 12-13 दिन के बाद में आया और जब आया तपासने के लिए बोले मुझे 50% अच्छा लगा, 50%। मतलब देखिए आप ही बोल रहे थे कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं भी बोला कि आप पागल नहीं, मगर आपको डिप्रेशन है, मैंने आपको एंटी डिप्रेशंस दिया। डिप्रेशन देखो, डिप्रेशन जो है वो केमिकल लोचा अंदर जो होता है, केमिकल इम्बेलेंस जो होता है उससे डिप्रेशन हो सकता है, और या तो फिर एनवायरमेंट जो है, वातावरण जो है उससे डिप्रेशन आ सकता है। कोई रिएक्शन मतलब अपन देते हैं कोई चीज को, कोई लॉस हो जाता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है, बैंकरप्सी होती है, फेल हो जाते हैं तो डिप्रेशन आता है। तो ये आपका डिप्रेशन जो था वो केमिकल इम्बेलेंस से था और इसलिए मैंने जैसी दवा दे दिया तो आपको 10-12 दिन में 50% उसको अच्छा लगने लगा। बोले आप और दे दो, मैं दवाई लूंगा और मैं अच्छा हो जाऊंगा। उसको और मैंने दवा दिया, 15 दिन के बाद में आया, बोले मुझे 90% अच्छा लग रहा है, मगर मैंने दवाई कितने दिन लेना। मतलब ये आपको कम से कम 6 से 9 महीना, मतलब ये रेंज में आपको दवाई लेनी पड़ेगी, दवाई मत बंद करो। जैसा डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए आपको दवाई लेनी पड़ती है और दवाई लेने के बाद डायबिटीज कंट्रोल में आता है, वैसा डिप्रेशन अभी आपका कंट्रोल में आ गया है, धीरे 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 नॉर्मल हो जाएगा, केमिकल इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा और आप नॉर्मल हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाद में हम आराम से दवाई बंद करेंगे, उसने मान लिया। तो ऐसे काफी सारे लोग है कि आपके आजू बाजू में ऐसे घूमते होंगे लोग कि जिनको डिप्रेशन है, मगर ऐसा डिप्रेशन करके उनको कोई बताता नहीं है, या फिर उनको कोई ऐसा नर्वसनेस नहीं है, दुखी मन नहीं है, मतलब सैडनेस नहीं है, रोना धोना नहीं आता उनको, रोना जैसा क्राइंग स्पेल से वो नहीं आते हैं, या फिर सुसाइडल थॉट्स, खुदकुशी करने के विचार, या नींद का कम होना, ऐसा मतलब उनको क्लासिकल सिम्टम नहीं है, एकदम अटिपिकल सिम्टम्स है और वो डिप्रेशन के हो सकते हैं। और वो डिप्रेशन की दवा देने के बाद में उसका पेट भी ठीक हो गया, उसको काम करने में उत्साह आ गया, उसको जो ऐसा गमता नहीं बोले ऐसा कुछ भी लग रहा था अंदर से वो ठीक हो गया, एट पीस आ गया और उसका नॉर्मल लाइफ जीना उसने चालू कर दिया। तो आप
ये वीडियो लोगों को जरूर शेयर करो ताकि लोगों को इसमें फायदा हो जाएगा, लोग अपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकेंगे और वहां से वो अच्छा हो सकते हैं विद एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन, क्योंकि वो डिप्रेशन के शिकार यदि हुए हैं तो उनका इलाज पूरा हो जाएगा। हम हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनको रिसारों के साथ में भर्ती करते हैं, रिसारों के अलावा भर्ती करते हैं और उनका इलाज हम करते हैं। हमारा जो विजन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। अब ये वीडियो जरूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि आपकी भी पार्टनरशिप हमारे ये विजन में बन जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब ऑनलाइन हमको कंसल्ट कर सकते हैं और आपके सवाल पूछ सकते हो, नीचे नंबर दिए हुए हैं, या फिर पर्सनली आके सलाह मशवरा कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।